गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निशा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी मैं किचन में आई हूँ, बनाई हूँ चाय, और चाय बना के अभी मैं ले जा रही हूँ मम्मी और सुमित को देने के लिए। और अभी सुबह के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं उसके, और मैंने अभी किचन में आके जस्ट चाय ही बनाया। मैं अभी ले जा रही हूँ उन लोग को देने के लिए। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी रात में ही मैंने कट करके रख लिया है। और आप देख सकते हो जो मैं सामान डालना है यहाँ पे मैं रख दी हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के भिंडी को फ्राई कर लेंगे, भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, स्लो फ्राई करेंगे। और अभी तो मैंने भिंडी डाला है, और भिंडी जैसे फ्राई हो जाएगी तो उसको निकाल लेंगे। अभी भिंडी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं निकाल रही हूँ। और भिंडी जैसे ही आप फ्राई हो जाएगा, निकाल लोगे तो फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल देना है। और इसमें मैं थोड़ा सा ही मसाले ऐड कर रही हूँ, और बेसिक मसाले हैं, जीरा मैंने डाला है। और जीरा जैसे तड़क जाएगा तो प्याज काट डाल देना है। प्याज मैंने मीडियम साइज का लिया था, और मैंने बारीक चॉक नहीं किया था, इसको रफली चॉक कर लेंगे। बारीक चॉक करेंगे तो भिंडी में जल जाएगा, मैंने रफली चॉक किया था। और प्याज जैसे सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें आप फिर से भिंडी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे ताकि भिंडी चिपके ना ऐसे में। और इसमें मैं नींबू का रस ऐड करूँगी। और इसमें मसाले में मैंने डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और मेरे पास मैगी मसाला था तो मैगी मसाला मैंने डाला है। उससे टेस्ट सब्ज़ी के अच्छे आते हैं, आप भी डाल सकते हो तो, नहीं तो स्किप कर दो, वैसे भी अच्छे बनते हैं ये। और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालते, और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, और नमक के बाद मसाला ऐड कर देंगे, और इसको चलाते रहेंगे कि मसाला भी अच्छे से भून जाए और कढ़ाई में पकड़े भी ना। और मैं अभी मसाले ऐड कर रही हूँ, और अच्छे बन के आते हैं और टेस्ट भी अच्छे लगते हैं। जितना मैंने मसाला डाली हूँ इतना ही डालना है, ज़्यादा मसाला मत डालो। ये आधा किलो भिंडी मैंने कट किया है ऐसे में, और अभी देख सकते हो मैं ढक ढक के इसको भून रही हूँ, और बार बार इसको चलाते रहो, और फिर इसको ढक दो। और चलाओगे तो सारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे, और भिंडी भी अच्छे से हो भून जाएंगे। अभी मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, आप देख सकते हो भिंडी अच्छी भी दिख रही है। चलो आप लोग से मैं मिलती हूँ, ओके बाय। जैसे किचन से फ्री होके निकली, अंश को देखो, हॉल में टी टेबल पे सारे अपने टॉय फैला के रखा है, और इसको ये रहता है कि मैं बॉटल से पानी पीऊँगा। सुमित को देखता रहता है तो इसको भी मन करता है बॉटल से पानी पिए, तो बॉटल से पानी पीने के लिए जिद करता है। मैंने छोटा सा बॉटल दे रखा है तो उसे पीता है कभी कभी। और अभी अब देखो कैसे, अभी ये डॉगी को भोबो बोलता है तो डॉगी को पानी पिला रहा है, यहाँ पर बॉटल से डॉगी को भी पानी पिला रहा है। और मैं उसको बोल रही हूँ कि पानी पिला रहे हो क्या, तो मुझे देख भी नहीं रहा है कैसे डॉगी को पानी पिला रहा है। और सारे यहाँ पे हॉल में फैला के रखा है, आप देख सकते हो। अभी हो रहे हैं 11:30। अंश को अभी मैं जस्ट नहला के बेडरूम में लेके आई, और मैं इसको 11:30 बजे तक नहला देती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक सुलाना रहता है। और मैं भी टाइम देखती ही रहती हूँ कब 12 बजने वाला है कि सुला दूँ और अपना और भी काम करूँ, क्योंकि जगने पे अंश कोई काम नहीं करने देता है। अभी देखो कैसे जिद कर रहा है। और अभी लेके आई हूँ तो बाथरूम में से आने का मन नहीं था, सिर्फ पानी में खेलना है, और इसलिए तो अभी मैं जल्दी से नहला के 12 बजे के पहले सुला के जो भी काम करना रहता है, इसलिए मैं टाइम देख के जल्दी से सुलाने की ट्राई करती हूँ। और बहुत ही नॉटी है, अभी देखो कैसे लगा रही हूँ तो कैसे कैसे कर रहा है, अभी भागना चालू कर देता है। और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, अंश सो जाएगा तो उसके बाद मैं करूँगी। और इतनी गर्मी है कि पूछो मत, पूरे बाल भीग जा रहे हैं, और गर्मी से लग रहा है कि मतलब पानी से बाल को भिगो के आई हूँ ऐसे में। अभी देखो भागना चालू कर देगा, पहनेगा ही नहीं कपड़े, जब भी आता है तो पहनता ही नहीं कपड़े, मतलब ऐसे ही छोड़ दो मम्मा, जिद करता है। देखो कैसे मैं फोर्सफुली कपड़े पहना रही हूँ यहाँ पे, अंश को पहनने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल।
और ऐसे ही हर दिन का रहता है, पहनने के लिए रेडी नहीं। नहाने के बाद बस बाथरूम में छोड़ दो मुझे और मुझे पानी में खेलना है बस। इसलिए बाथरूम को मैं लॉक करके रखती हूँ, हमेशा डोर बंद कर देती हूँ कि अंश बाथरूम में ना जा पाए। अभी देखो कैसे जिद कर रहा, मैं कुछ न कुछ दे ही रही हूँ कि मेरे पास आए और कपड़े पहन ले, लेकिन पहनना नहीं है। देखो कैसे जाके सो गया, पहनना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अभी मैं पाउडर के डब्बे दे रही हूँ ताकि मेरे पास आए और पहने, लेकिन पहनना नहीं है। तो बस मम्मा छोड़ दो बाथरूम में, यही सब लगा रहता है। अभी अंश को कपड़े पहना के सुला के और फिर मुझे और सारे काम है वो कर लेंगे। कंघी लेने गई तब तक पूरी बेडशीट पे पाउडर गिरा दिया। 2 मिनट भी आप छोड़ दोगे तो कुछ न कुछ घर में उथल पुथल मचा के अंश रख देता है। और अभी मैं लेने ही गई हॉल में, तब तक देखो कैसे बेडशीट पे सारे पाउडर फैला के रख दिया। अभी कंघी नहीं करवाना है, मैंने डांट दिया तो ऐसे में अंश सो गया। और जस्ट अभी मैंने सुलाया, अभी 12 बज रहा है, 12 बजे तक मैं सुला देती हूँ और नहला के तुरंत मैं सुला देती हूँ। और सुलाने में थोड़ा टाइम लगता है और सो जाता है, तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ जो भी करना रहता है। तो अभी मुझे पोछा लगाना है, मम्मी का हेयर कलर लगाना है, मुझे भी नहाना है। तो मैं आप लोग से नहा के मिलती हूँ काम अपना करके, और चलो तब तक बाय। मम्मी को लगा रही हूँ यहाँ पे मैं कलर, और मम्मी बैठ के टीवी देख रही हैं सावधान इंडिया। और मम्मी के बाल जो है ना बीच में ही वाइट होते हैं और सारे बाल काले हैं, तो अच्छे से आगे ही अच्छे से लगाना रहता है और 10 दिन में ही मतलब सफ़ेद बाल हो जाते हैं ऐसे में, और बीच में ही होते हैं और साइड साइड के होते हैं, तो 10 दिन में ही लगाना रहता है ऐसे में। तो मैं लगा देती हूँ अच्छे से देख के, तो वही मैं लगा रही हूँ। अभी कलर लग जाएंगे तो जल्दी जल्दी पोछे लगा के मैं भी नहाने जाऊँगी, और क्योंकि अंश को सुला के आई हूँ, अभी मम्मी के अच्छे से मैं लगा दूँ सारे। बाद अभी हो रहे हैं 5:30 और जस्ट अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, और आजकल ऑफिस में काम कम है तो जल्दी आ जा रहे हैं, अदरवाइज 9 बजे आते हैं। और आते हैं तो अंश आगे पीछे दौड़ने लगता है, तो नहाने के बाद ही वो मिलते हैं। आते हैं तो सीधे ऑफिस से वो बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, इसलिए मैं अंश को लेके बेडरूम में हूँ। अंश अभी देखो क्या कर रहा है, आप लोग देखो क्या कर रहा है। और अभी मैं भी जा रही हूँ किचन में चाय रखने, और ये वीडियो को मैं यहीं पे इन करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।